मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो ट्रेन स्टेशन पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो पागलों की तरह डोल रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतान के बस में हो। पर वो लड़का सोचता है वो लड़की नशे में है, उसकी पिक्चर लेके इंटरनेट पे पोस्ट करता है। तो यहाँ सभी भूत का जिक्र कर रहे थे। लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जब वो लड़की को देखने जाता है तो वो देखता है लड़की वहाँ से गायब थी। फिर लड़के को पटरी पे कुछ नजर आता है और जैसे ही वो देखने की कोशिश करता है तो गेट बंद हो जाता है, जिससे लड़के का सिर धड़ से अलग हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को कुछ महीने बीत जाते हैं और हम एक लड़की किम नायोम को देखते हैं जो एक रिपोर्टर थी और वो इंटरनेट पे न्यूज लिखती थी एक कंपनी के लिए। उसकी बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि किम ने अभी तक एक अच्छी न्यूज पोस्ट नहीं की थी। किम नायोम का दो दोस्त था, युआन और जुआन। ये दोनों ट्रेन स्टेशन पे काम करते थे। एक रात तीनों बैठ के बात कर रहे थे। यहाँ किम नायोम बताती है उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही है, अगर काश उसे एक अच्छी न्यूज मिल जाए जिसे वो पोस्ट करे तो शायद उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। यहाँ जुआन कहता है हम जिस स्टेशन में काम करते हैं ऑक्सो स्टेशन, वहाँ कल रात एक इंसान मरा है। यह युवान डरा हुआ कहता है उस टॉपिक को मत छेड़ो। जब उसे फोर्स किया जाता है तो वो बताता है क्या हुआ था। कल रात जब युवान हेडक्वार्टर गया तो वो कैमरे में देखता है कोई प्लेटफॉर्म से चल रहा था। जब वो उसे गौर से देखने जाते हैं तो कैमरा खराब हो जाता है। उसका चीफ उसे कहता है अभी एक ट्रेन आने वाली है, तुम जल्दी से उस इंसान को वहाँ से हटाओ। युवान अपना पूरा जोर लगा के वहाँ आता है पर वो इंसान अब नीचे उतर गया था। युवान उसे बचाने के लिए नीचे जाता है तो वो इंसान अपनी पूरी नजर से एक जगह देख रहा था। जब युवान भी वहाँ देखता है तो उसे पता लगता है वहाँ एक बच्चा था। युवान उस इंसान को वहाँ से हटाने जाता कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है। युवान जैसे तैसे ऊपर तो उठ जाता है पर वो इंसान ट्रेन के नीचे आके उसकी जान चली जाती है। ये पूरी घटना को सुन के नायोम कहती है इसे छापा जा सकता है पर अगर तुम्हारे सिवा कोई और आई विटनेस होता तो काम करने में आसानी होती। युवान कहता है हमारे डायरेक्टर ने भी देखा है। इसके बाद वो डायरेक्टर से मिलने जाते हैं। डायरेक्टर के वहाँ वो एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी और ये लड़की वही है जिसे हमने मूवी के पहले स्टेशन में देखा था। और ये लड़की कौन है आगे पता चलेगा। यहाँ डायरेक्टर बताते हैं उनका काम है इस ट्रेन स्टेशन में जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उनकी बॉडी को जला देना, उन सब लावारिस बॉडियों को ठिकाने लगा देना। इसके बाद वो डायरेक्टर से पूछते हैं उस रात उन्होंने क्या देखा था तो डायरेक्टर बताता है एक्सीडेंट के बाद जब वो ह्यूमन फ्लेश को हटा रहे थे तभी सीढ़ियों के नीचे उन्हें एक बच्ची दिखी और जब उन्होंने बच्चे से उसका नाम पूछा तो बच्चे ने एक नंबर दिखाया और डायरेक्टर ने सोचा ये उसका नाम है। ये सोच के उन्होंने उस नंबर को रिपीट किया। फिर उन्हें कोई बुलाता है और जब वो सीढ़ी के नीचे देखते हैं तो वहां से वो बच्चा गायब था। इस घटना को सुन के नायोम थोड़ा सा डर जाती है। फिर वो नोटिस करती है डायरेक्टर के हाथ में किसी के नोचने की निशान है। इसके बाद नायोम योम को फोन करती है और कहती है इस आर्टिकल को छपा जा सकता है, इससे लाखों व्यूज मिल सकते हैं। पर युवान क्या तुम मुझे सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी दे सकते हो क्योंकि बिना फोटो के पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा। युवान कहता है मुश्किल है पर ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट दिन में युवान बाथरूम में मूड हो रहा था तभी उसे टॉयलेट से कुछ आवाज आती है। वो दबे पाव टॉयलेट की तरफ बढ़ रहा था और जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तभी एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज अंदर से आता है। युवान हद से ज्यादा डर गया था। तभी हम देखते हैं ये जुआन था जो मजाक कर रहा था। यह डरा हुआ युवान बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा के चला जाता है। फिर जब जुआन मुंह धोने जाता है तभी वो देखता है शीशे पे एक नंबर लिखा हुआ था जैसे डायरेक्टर ने नंबर देखा था पर यह नंबर अलग था। जुआन भी ये नंबर रिपीट करता है। इसके बाद देखते हैं युवान चीफ के रूम में जाता है और बड़ी ही शातिर और चालाक तरीके से वो सीसीटीवी की फुटेज की कॉपी कर लेता है। फिर जब वो उस रूम से निकलता है तो उसके सामने से ट्रेन चालक जाता है जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर युवान जाके नायोम को उस कॉपी को देता है। नायोम उसे थैंक यू बोलती है। फिर युवान कहता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन चालक को देखा जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और वो दुर्घटना वाली स्पॉट पे गया है। नायोम यह सुन के ट्रेन चालक से बात करने जाती है तो वो देखती है वो बैठा हुआ था और उसके पास में वो अजीब सी लड़की बैठी थी पर नायोम को देख के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब नायोम जाके उस इंसान के पास में बैठती है तो वो नोटिस करती है ट्रेन चालक के पूरे शरीर में बहुत सारे खरोंच और नाखूनों के निशान थे और ये चीज नायोम को हद से ज्यादा अजीब लगती है। नायोम यहाँ पूछती है
इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप घर क्यों नहीं गए? उस इंसान का जवाब था, वो मुझे घर नहीं जाने देगा। तभी हम शीशे पे देखते हैं, उस इंसान के कंधे पे एक बच्चा बैठा हुआ था जो एक घोस्ट था, जिसे बस वो इंसान ही देख सकता था। फिर नाम पूछती है, क्या एक्सीडेंट के वक्त पे वहाँ बस वो इंसान अकेला था? तो यहाँ ट्रेन चालक कहता है, नहीं, वहाँ एक बच्चा भी था। ये कहते हुए वो इंसान वहाँ से उठ के जाने लगता है। नायोम भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो इंसान नीचे एक रूम में जाता है, नायोम भी उसके पीछे जाती है। तो वो इंसान कहता है, उसे एक नंबर मिला था और जैसे ही उसने उस नंबर को रिपीट किया, मतलब पढ़ा, तभी से ही उसकी यह हालत है। तब से ही उसके शरीर में इतने सारे खरोचे आई। और ये कहते हुए वो इंसान बहुत ही जोर से चीखता है। फिर जब नायोम ट्रेन से घर जा रही थी, तभी वो देखती है सभी उसकी आर्टिकल पढ़ रहे थे। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब ऑक्सो स्टेशन आता है और जब वो उतर रही थी, तभी कोई बच्चा उसके पैर को खींचने लगता है, जो घोस्ट था। पर ये बस नायोम एक सपना देख रही थी। वो ऑफिस में ही थी और सभी सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि नायोम की लिखी हुई आर्टिकल 3 लाख व्यू हो चुके थे। तभी वहाँ बॉस आती है जो कहती है, तुमने ट्रेन चालक की इंटरव्यू ली थी? नायोम कहती है, हाँ। बॉस पूछती है, कितने बजे? नायोम कहती है, करीब 10 बजे होंगे रात के। बॉस कहती है, तुमने किसी भूत का इंटरव्यू लिया था क्या? क्योंकि वो तो 9 बजे ही मर चुका था। फिर सीसीटीवी में देखा जाता है, वहाँ तो बस नायोम अकेली थी और 9 बजे ही उस इंसान ने सुसाइड कर लिया था। जब उनकी बातचीत चल रही थी, तभी नायोम के एक दोस्त आके कहता है, ट्रेन चालक की बहन नायोम से मिलना चाहती है। फिर नायोम ट्रेन चालक के घर में जाती है तो वो देखती है ट्रेन चालक की बहन और कोई नहीं, ये वही पागल लड़की है जिसे हमने मूवी के पहले देखा था और नायोम इसे पहले भी देख चुकी है। वो लड़की कहती है, मेरा भाई एक अच्छा इंसान था, पर वो नीचे क्या करने गया था मुझे नहीं पता। मुझे लगता है शायद वो वहाँ कुआं ढूंढने गया था। ऑक्सो में बहुत सारे कुएं थे, पर स्टेशन बनने के कारण से उन सारे कुओं को बंद कर दिया गया था। और जिस दिन ट्रेन स्टेशन बना, उसी दिन मेरे पिता भी प्लेटफॉर्म से गिर के मारे गए थे। मुझे हर वक्त ही एक कुआं नजर आता है, पर जब मैं उसके अंदर झांकने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ बातें करते हुए वो लड़की पागलों की तरह नायोम पे चिल्लाने लगती है। या नायोम कहती है, मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ इंटरनेट आने से पहले भी सारे जगह की डेटा को इकट्ठा करके रखा जाता था। नेक्स्ट डे नायोम उस जगह जाती है और उसे एक ऑर्फनेज और उसके सामने कुएं की तस्वीर नजर आती है, जिसे वो उस पागल लड़की को भेजती है। यहाँ वो लड़की कहती है, उसे हर वक्त ही ये कुआं तो नजर आता है, पर वो ऑर्फनेज का कुछ नहीं जानती। इसके बाद नायोम ट्रेन चालक की स्टोरी लिखने के लिए वो युवान के साथ फोटो लेने डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर उन्हें ट्रेन चालक की तस्वीर लेने देता है, पर जब नायोम तस्वीर ले रही थी तभी वो लाश जिंदा हो जाती है और वो लाश जैसे नायोम को बहुत ही बुरी नजर से घूर रही थी। पर ये सब कुछ ही नायोम का एक बहम थी। यहाँ डायरेक्टर कहता है, 20 सालों से जब से ये ऑक्सो स्टेशन बना है तब से ही यहाँ लोग मरे हैं और उनके ऊपर ऐसे ही खरोच के निशान हैं, और आज तुम इनके ऊपर आर्टिकल लिख रही हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और यहाँ युवान नोटिस करता है डायरेक्टर के हाथ में भी वैसा ही खरोच है, पर वो कुछ नहीं बोलता। वही दूसरी तरफ ट्रेन चालक की बहन जो अपने भाई के चीजों को देख रही थी, तभी अचानक उसके होश उड़ जाते हैं एक तस्वीर को देख के, क्योंकि उस तस्वीर में वो उसके पिता और उसके भाई वही ऑर्फनेज के सामने खड़े थे जिस ऑर्फनेज की पिक्चर को नायोम ने भेजी थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नायोम ट्रेन से जा रही थी और वो देखती है उसने ट्रेन चालक की जो स्टोरी को पोस्ट किया था उसे सब लोग ही पढ़ रहे थे। पर यहाँ नायोम ज्यादा खुश नहीं थी। फिर जब वो ऑफिस आती है तो उसका दोस्त उसे दिखाता है, सभी लोग ट्रेन चालक की स्टोरी को सुन के इतना ज्यादा प्रभावित हुए, सभी लोग ऑक्सो स्टेशन में जाके खुद की खरोच वाली सेल्फी पोस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ बॉस आती है और नायोम को बुलाती है। बॉस अब उससे खुश थी, वो उसे बधाई देती है। बॉस कहती है, अब क्या लिखना है? तो नायोम कहती है, ट्रेन चालक की बहन ने कुएं की बात कर रही थी, कुएं पे उसे अब स्टोरी लिखनी है। पर बॉस कहती है, उस लड़की की बातों पे भरोसा मत करना क्योंकि वो पागल है और वो हॉस्पिटल आते जाती रहती है। बॉस कहती है, अब ये कहानी यहाँ छोड़ दो। दरअसल बॉस उसे इनडायरेक्टली इस ऑक्सो हादसे से आर्टिकल लिखने से नायोम को मना कर रही थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं
युआन और जुआन बात कर रहे थे, तभी यहाँ युआन नोटिस करता है जुआन के हाथ में और नेक पे वही खरोच के निशान थे। युआन पूछता है ये निशान कैसे आए, तो जुआन कहता है पता नहीं कैसे आए पर ये निशान बड़े ही जा रहे हैं। युआन स्ट्रिक्टली कहता है तुम अपना नाइट शिफ्ट खत्म करके डॉक्टर के पास जरूर जाना। इसके बाद हम स्टेशन में एक लड़की को देखते हैं जो डगमगाते हुए आ रही थी। वो वॉशरूम में जाती है तो हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और उसके सामने एक बच्ची आ जाती है जो डीमन थी। उसके कंधे पे चढ़ जाती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। वो डर के टॉयलेट के अंदर गिर जाती है और बुरी तरीके से उसके नेक पे चोट आती है और उसकी नेक टूट के वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब जुआन को फोन करके बताया जाता है वॉशरूम में किसी लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी, सीधे वहां जाके चेक करो। वो सीधे वॉशरूम में जाता है तो उसे एक टॉयलेट से आवाज आ रही थी। वो जैसे चेक करने जाता है तो उसे पता लगता है वो लड़की अब डीमन बन चुकी थी। वो डर के मारे चीख उठता है, तभी उसके सामने एक डीमन बच्चा आ जाता है जो उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जुआन का फ्यूनरल चल रहा था, वहां नायोम भी आई हुई थी। तभी युआन का फोन आता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो नायोम को बुला लेता है। जब नायोम वहाँ जाती है तो युआन उसे दिखाता है उसके हाथ में भी वैसा ही निशान आ गया था। वो बताता है कल रात जब वो स्टेशन से घर जा रहा था तभी उसे एक बच्ची दिखाई देती है जिस पे एक नंबर लिखा हुआ था और जैसे ही उसने उस नंबर को रिपीट किया तब से ही उसके हाथ में निशान आए। यहाँ उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि जितने के ऊपर वो निशान आए सभी एक एक करके मर चुके हैं, अब युआन भी मरने वाला है। नेक्स्ट सीन में युआन सो रहा था, वो देखते है उसके ऊपर कुछ बच्चे हमला करते हैं जो डीमन थे। अगले ही पल वो देखता है वो एक कुएं में है जहाँ जुआन का भूत उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं युआन ये सब कुछ ही सपना देख रहा था। नेक्स्ट सीन में युआन और नायोम उस पागल लड़की के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं मेरे दोस्त के ऊपर अब खरोच आई है और तुम्हारी तरह उसे भी अब कुआं नजर आ रहा है, ये सब कुछ तुमसे कनेक्टेड तो नहीं है। तभी वो लड़की कहती है मैं अपने भाई के चीजों को चेक कर रही थी तभी मुझे वही ऑर्फनेज की फोटो दिखी और मुझे याद आया वो ऑर्फनेज मेरे पिता चलाते थे। यह नायोम ट्रेन चालक का फोन मांगता है और जब वो फोन को चेक कर रहे थे तभी उन्हें यहाँ एक वीडियो दिखता है जिसमें एक इंसान वॉक्सू स्टेशन के अंदर एक सुरंग में था और उस सुरंग में उसे बहुत सारे बच्चियों के हड्डियां मिलते हैं। यहाँ ये समझ जाते हैं इन्हें इन सारे बच्चियों के ही घोस्ट दिख रहे हैं और ये सारे हड्डियां उनके ही होंगे। यह नायोम कहती है बच्चों के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, हमें उनका सच पूरी दुनिया के सामने लाना होगा, शायद इससे बच्चियों के आत्माओं को शांति मिल जाए। दोनों अंदर जाते हैं और डीमन उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। फिर उनके सामने सारे बच्चों के आत्मा आ जाते हैं और नायोम कहती है मैं पूरे दुनिया के सामने तुम लोगों पे हुए अत्याचार को लाऊंगी। फिर बच्चे उन्हें वो सारे हड्डियां दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो इन सारे स्टोरी को लिखने जाती है तो उसके बॉस उसे काम से निकाल देने की बात करते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें सावधान किया था इस कुएं वाले स्टोरी को ना लिखने के लिए, अब दफा हो जाओ यहाँ से। फिर नायोम अपने दोस्त से बात कर रही थी, वो कहता है बॉस को ऊपर से ऑर्डर मिले हैं इस स्टोरी को ना छापने के लिए। नेक्स्ट सीन में जब युआन अपना ड्रेस पैक कर रहा था तभी उसका हाथ एक घोस्ट बच्चा पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए बाहर आ जाता है। वो देखता है डायरेक्टर किसी से बात कर रहा था और जब युआन डायरेक्टर के हाथ पे नोटिस करता है तो वो देखता है उसके हाथ से वो खरोच गायब थी। युआन पूछता है ऐसा कैसे डायरेक्टर, पर डायरेक्टर गुस्सा दिखाते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब युआन उनके घर जाता है तो वो बताता है कि सब कुछ ट्रेन चालक के बहन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर ट्रेन चालक के घर गए थे, वो उसके बहन को पकड़ते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं मेरे जिस्म से ये नाखूनों के दाग गायब कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वो लड़की एक नंबर बोलती है जिससे डायरेक्टर के शरीर से वो निशान चले जाते हैं और वो निशान उस लड़की के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लड़की नायोम के घर जाती है और कहती है मुझे अब सब कुछ याद आ गया है, बचपन में मैं ऑर्फनेज में रहता था और वो मेरे पिता नहीं थे जो ऑर्फनेज को चलाते थे, उन्होंने तो मुझे गोद लिया था। एक दिन सारे बच्चों को कुएं के अंदर रखा गया था, मुझे भी, पर मेरा भाई बहुत ज्यादा रो रहा था इसी कारण से मुझे वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था। तभी मेरे हाथ पे एक बच्ची जिसने खरोच दी थी और कहा था हम सबको भी ऊपर बुलाने के लिए और वहाँ हमें नाम से नहीं नंबरों से बुलाया जाता था, मुझे निकालने के बाद उन सारे बच्चों को उस कुएं के साथ ही दफन कर दिया गया था। नायोम पूछे पर क्यों, यहाँ वो लड़की बताती है उसके पिता के एक
डैडी से बच्चों के सर्जरी के डेटा मिले हैं। सर्जरी मतलब उस ऑर्फन में बच्चों के ऑर्गन्स निकाल के बेचा जाता था और सबूत मिटाने के लिए बच्चों को कुएं में दफन करके मार डाला गया। यह आप समझ पाए, जिन जिन लोगों ने नंबर देखा वो सारे उस ऑर्फन के बच्चों के नंबर थे, और उनके नंबर को जैसे ही कोई रिपीट करता है मतलब उस नंबर को बोलता है तभी वो श्रापित हो जाता है और उनकी मौत भी होती है। अगली सुबह नायोम को युआन का फोन आता है। युआन बहुत ज्यादा परेशान था। युआन कहता है, क्या तुम्हें याद है मैं किस नंबर से श्रापित हुआ था? नायोम यहाँ समझ नहीं पाती और वो उस नंबर को रिपीट करती है, और जैसे ही वो उस नंबर को बोलती है तभी युआन श्राप से मुक्त हो जाता है और वो श्राप अब नायोम को लग जाती है, और वो देखती उसके हाथ में अब खरोच आ गई थी। युआन कहता है, मुझे माफ करना, मुझे जीना है। फिर नायोम डायरेक्टर से मिलती है और उनसे पूछती है कैसे श्राप से मुक्त हुआ जाए। तो डायरेक्टर बताते हैं, तुम इस श्राप को किसी के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकती हो, बस उसे इन बच्चों के हादसे के बारे में सही से पता होना चाहिए, बस तुम उससे वो नंबर बुलवाओ तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो और वो श्राप उसके ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं इन बच्चों के मृत्यु वाले हादसे को आर्टिकल बना के छापा गया है, पर ये काम नायोम का था, पर इस काम को कंपनी ने किसी और के नाम से पोस्ट किया है इंटरनेट पे। नायोम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो ऑफिस में फोन करती है तो उसे बताया जाता है बॉस चाहती है तुम रिजाइन कर दो। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस जाती है अपना रेजिग्नेशन लेटर हाथ में लिए हुए। वो बॉस से कहती है, आपको सब कुछ पता था ना सारे बच्चों के मौतों के बारे में, और आपको ऊपर से ऑर्डर मिले थे ना ये आर्टिकल ना छापने के लिए, इसलिए आपने गलत डेटा के साथ झूठी डेटा के साथ आपने इस आर्टिकल को छापा ताकि सच ना सामने आए। बॉस कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम डिजाइन करो और जाओ यहाँ से। नायोम कहती है, डिजाइन तो जरूर करूंगी पर आप पहले मेरे लिए इस नंबर को पढ़िए। और ये वही नंबर था जिसे पढ़ने के बाद बॉस भी श्रापित हो जाएंगी, और बॉस इस झांसे में आ भी जाती है। वो घमंड के चलते वो नंबर पढ़ लेती है और नायोम मुस्कुराते हुए अपना इस्तीफा देते हुए वहां से आने लगती है, और वो देखती है उसके हाथ से अब वो नाखूनों के निशान गायब हो गए थे, मतलब अब वो इस श्राप